नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि स्लैब की डिजाइन, यदि हमें स्टील शटर प्रोवाइड होता है तो कैसे करते हैं। सेकेंडरी रनर का डिफ्लेक्शन चेक, बेंडिंग चेक, सीयर चेक देख लिया था, प्लेट का भी देख लिया था। अब नेक्स्ट मेंबर आता है, प्राइमरी रनर का कैसे डिजाइन करते हैं, क्या मेथड होते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये रहेगी कि उडन के लिए देख रहे थे कि कैसे सेम स्पेसिंग रहती है, बट इसमें प्राइमरी रनर की स्पेसिंग वेरीज होती है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि स्टील प्लेट में भी चांसेस होते हैं कि आपका कोई एक डिस्टेंस वेरीज होता है। तो इसके लिए बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सबसे पहले यदि देखा जाए तो प्लेट थी 3.15 mm थिक, जिसको शटरिंग प्लेट हमने कंसिडर किया है, और 45-45x5 mm एंगल भी प्रोवाइड किया है। MS फ्लैट की भी डिजाइन देखी है। आपके पास दोनों में से जो ऑप्शन अच्छे हों वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर एज पर साइट जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको यदि ये वीडियो देखना हो तो आप लास्ट वीडियो में जा सकते हैं, एंड स्क्रीन पे भी जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि प्राइमरी रनर की डिजाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। क्यों होती है कि आप स्लैब की थिकनेस के हिसाब से शटर की डिजाइन निकाल लेते हैं, सेकेंडरी रनर की डिजाइन निकाल लेते हैं। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता दोस्तों, क्योंकि 250 या फिर 300 मैक्सिमम सेंटर बाई सेंटर कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब प्राइमरी रनर की बात आती है तो प्राइमरी रनर आपको बहुत सोच समझ के देना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल हम यूज करें, कौन सा सेक्शन आपके लिए बेस्ट होगा, और किस तरह का स्पेसिंग पे आपको प्रोवाइड करना है जो कि स्ट्रेप्स हेड आप दे पाए इकोनॉमिकली, और स्टेजिंग पाइप भी इकोनॉमिकली लगा पाए, जिससे आपका कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट मिले। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों, कि प्राइमरी रनर इसमें भी 1250 mm कंसीडर किया जाएगा, सेकंड स्पेसिंग जो है 1000 mm पे कंसीडर की जाएगी। 1000 क्यों की जाएगी और 1250 क्यों किया जाएगा दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। जैसे MS प्लेट की जो शटरिंग है वो कंसीडर कितनी थी, 1250x500, ये शटरिंग प्लेट साइज था। अब देखिए यहाँ 1250 इसलिए रखा गया है कि ISMC 75 को एज अ प्राइमरी रनर कंसीडर करते हुए 1250 mm सेंटर पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1250 का शटरिंग प्लेट भी है और 1250 की प्राइमरी रनर की भी स्पेसिंग है। तो 1250 शटरिंग प्लेट जस्ट चैनल के, जो ISMC 75 हम कैलकुलेट करेंगे, उस चैनल के हाफ हाफ मीन सेंटर टू सेंटर पोर्शन पे शटरिंग प्लेट फिक्स हो जाएगी। दूसरी शटरिंग प्लेट जस्ट इससे सट के बाकी सेंटर से फिक्स की जाएगी, जिससे भी एक रनर पे जो प्राइमरी रनर है उस पे दो शटर बोर्ड मीन्स स्टील शटरिंग के दो एज रेस्ट होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, मेन फंडा इसीलिए है कि ये 1250 लिया जा रहा है। इसी के हिसाब से आपको स्टेजिंग भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि यदि आप कपलॉक यूज कर रहे हैं तो आपको लेजर 1 मीटर का प्रोवाइड करना है, फिर 1250 का प्रोवाइड करना है, तो इसकी स्टेजिंग आपको तैयार होगी। जबकि ये आपको पता है कि डिजाइन और वर्क दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं। सबसे पहले स्टेजिंग की जाती है वर्क में, जबकि डिजाइन सबसे पहले टॉप फेस से चालू होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं लोड कैलकुलेशंस और क्या कंसिडरेशंस हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील 2500 kg/cm², अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील 0.66 FY, 1650 kg/cm², 6.2.1 क्लॉज के IS कोड 800/1984 के हिसाब से, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 2.5 ton/m³, थिकनेस ऑफ स्लैब 200 mm। यहाँ आप अपने हिसाब से भी स्लैब की थिकनेस कंसीडर कर सकते हैं, एज पर साइट आपको जो मिली हो उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके हिसाब लोड निकाल सकते हैं। यहाँ लोड देखिए 0.5 ton/m² आता है, 0.3 लाइव लोड कंसीडर किया जाता है, और 1.2 सेफ्टी फैक्टर कैलकुलेट करते हुए 0.96 ton/m² आता है, जिसको 1 मीटर विड्थ से इनटू करने पे यूडीएल में चेंज हो जाता है। उसके बाद प्राइमरी रनर का सपोर्ट डिस्टेंस है 1250 mm, इसलिए 1250 का हाफ सराउंडिंग एरिया, कि यदि 1 मीटर बाई 1 मीटर की स्लैब है और बीच में कोई एक इसके फोल्डिंग पाइप है या फिर कुछ रनर है, तो वो 1 मीटर बाई 1 मीटर के पूरे स्लैब के एरिया को कवर करेगा, जो कि उसकी लोड इंटेंसिटी एरिया होगी। सेम इसी तरह से जब दो प्राइमरी रनर आप देंगे
तो दो प्राइमरी रनर के बीच का भाग और सेकंड प्राइमरी रनर के दूसरे तरफ के बीच के भाग का ये एक प्राइमरी रनर लोड बियर करेगा, इसलिए 1.25 जो स्पेसिंग है उससे 0.96 में इंटू करेंगे प्राइमरी रनर पे एक मीटर लेंथ में कितना लोड आ रहा है। ये 0.96 इंटू 1.25 करने पे 1.2 टन पर मीटर स्क्वायर आता है दोस्तों, जिसको यूडीएल में चेंज करेंगे 1.2 टन पर मीटर आएगा। ये लोड कैलकुलेशन आप समझ गए प्राइमरी रनर के लिए। नेक्स्ट थिंग है दोस्तों, यूजिंग ISMC 75 एज अ प्राइमरी रनर। एक बात और बताऊं आपको, जब बहुत ज्यादा ही लोड हो जाती है, बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाता है, तो सबसे बेस्ट आई सेक्शन बेस्ट रहता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ISMC, यदि आपके पास कहीं आई सेक्शन यदि प्रोवाइड ना हो पा रहा हो तो आप चैनल भी यूज कर सकते हैं। चैनल से फायदा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी मिलती है और ये काफी ज्यादा मजबूत होता है। आई सेक्शन चैनल सेक्शन से भी ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन आप 200 mm की थिकनेस में यदि आई सेक्शन आप लगाते हैं तो ये आपके लिए काफी कॉस्टली हो जाएगा और एक तरह का मटेरियल वेस्टेज वाला वर्क होगा। इसलिए यहाँ चैनल यूज करते हुए ISMC 75 मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड माइल्ड चैनल, मॉडुलस ऑफ सेक्शन 20.3 सेंटीमीटर क्यूब, क्रॉस सेक्शन एरिया 8.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 76 सेंटीमीटर की पावर 4। कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बताया है कि एक चैनल सेक्शन है यदि, तो आप सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं होल सेक्शन का, उसके अबाउट ये तीनों सेक्शन को अलग अलग पार्ट मानते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और उसके बाद सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट किया जाता है। सेकंड थिंग है डिजाइन ऑफ ISMC 75 स्टील चैनल। अब यहां देखिए दोस्तों, यूजिंग स्टील ISMC एज प्राइमरी रनर, कंसिडरिंग मैक्सिमम स्पैन ऑफ प्राइमरी रनर L इज 1 मीटर मीन्स 1000 mm, जो अभी आपको मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि जो स्टेजिंग पाइप लगाएंगे उसके ऊपर प्राइमरी रनर होगा, जो कि प्राइमरी रनर के बीच की डिस्टेंस एक तरफ 1250 mm होगी, सेकंड तरफ 1 मीटर होगी। स्टेजिंग पाइप 1 मीटर पे प्रोवाइड किया जाएगा और 1250 पे चैनल प्रोवाइड किया जाएगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल बन रहा है यदि आप स्टेजिंग का लेआउट करेंगे तो। नेक्स्ट है दोस्तों, कंसीडरिंग स्पैन ऑफ ISMC 75 टू इसके फोल्डिंग 1250 mm, ये कंसीडर किया गया है, जिस सर्टेन प्लेट का लोड जो आएगा ये 1250 mm की डिस्टेंस के हिसाब से WL² / 8, आपने देखा था बेंडिंग मोमेंट आता है फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम की वजह से, तो WL² / 8 मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 0.15 टन मीटर आएगी दोस्त। कैसे आएगी देख सकते हैं, J535 W की वैल्यू है I550 मींस ये 1 मीटर की लेंथ है, क्योंकि 1 मीटर पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टिरप्स हेड को, इसलिए जो भी लोड होगा वो 1 मीटर पे होगा, इसलिए 1 मीटर की लेंथ यहाँ कैलकुलेट की जा रही है। इवन लोड 1250 mm के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। और I550 L दो बार था मीन्स L² था, 2 बार इसका इंटू हुआ, 1000 से डिवाइड किया मीटर में चेंज करने के लिए, फिर 1000 से डिवाइड किया मीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ वैल्यू mm में दे रखी है, और अपॉन 8 करेंगे तो वैल्यू 0.15 टन मीटर आती है। सेकंड थिंग है बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन ISMC 75। बेंडिंग मोमेंट तो निकल गया, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा हुआ है, और सेक्शन मॉडुलस से 0.15 में डिवाइड करने पर 738.92 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मींस ISMC 75 738.92 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, मींस वो उतना रजिस्ट कर रहा है 200 mm थिकनेस की स्लैब के लिए। देन अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील 0.66 FY मींस 2500.66, ये कहां से है दोस्तों, IS 800 1984 से लिया गया है और इसकी वैल्यू 1650 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आती है। जैसे यहां देख सकते हैं दोस्तों, बेंडिंग स्ट्रेस 0.66 FY है स्टील की, जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होती है। यहां लिखा हुआ है द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन और इन कंप्रेशन इन एक्सट्रीम फाइबर कैलकुलेटेड ऑन द इफेक्टेड सेक्शन ऑफ द बीम शैल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन और इन कंप्रेशन ऑब्टेंड एज फॉलो नॉर द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन 6.2.2 6.2.3 और 5 एंड 6 क्लॉजेस आज एप्रोप्रिएट विद 0.66 FY। उस हिसाब से 1650 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है दोस्तों, जो हमारा कैलकुलेटेड है रेजिस्टेंट वो 738.92
2.92 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो हम कह सकते हैं कि हैंड सेफ है और जो प्राइमरी रनर 1250 की सेंटर पे प्रोवाइड किया जा रहा है सेफ है और ये डिजाइन सही। एक छोटा सा ड्रॉइंग देख लीजिए दोस्तों, 1250 mm ये सेंटर से इस सेंटर की डिस्टेंस है जो कि आप देख रहे हैं, और ये 1250 के बीच में चैनल का जो वेब है उसके ऊपर इधर की भी सटरिंग रेस्ट होगी, इसलिए 1250 mm कंसीडर किया गया है चैनल की स्पेसिंग को। जो चीज़ मैं अभी ड्राइंग में प्लान में समझा रहा था दोस्तों, ये एक सेक्शन ड्राइंग है जो आपकी आप देख सकते हैं और भली बात ही समझ सकते हैं कि दूसरी प्लेट इसके सेंटर पर रखी गई, पहली प्लेट ये है, सेकंड ये हो गई, सेम इसी तरह से नेक्स्ट चैनल प्रोवाइड किया जाएगा और उसके फिर सेंटर से सेकंड MS प्लेट प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह से हम स्टील शटर को फिक्स करेंगे और ये बेंडिंग चेक हम लोग ने देख लिया दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मुझे विदा दीजिए। वीडियो जरूर यदि पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।